तोशा खाने की तहाइफ की तफसीलात छुपाने का मामला, हुकूमत ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। स्पीकर कौमी असेंबली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को मौसूल, असासे छुपाने पर चेयरमैन पीटीआई को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा। पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरियट के जिम्मेदारान को एफआईए के व्हाट्सएप नोटिस पर समाअत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया, फरीकैन से जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात रोक दिए, चौधरी शुजात को पार्टी सरबराह बरकरार रखने का हुक्म, काफ लीग के इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, कमीशन के फैसले तक किसी भी इकदाम की कानूनी हैसियत नहीं होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। नई नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समात, नैब तरमीम पर कौमी एहतसाब ब्यूरो से तहरीरी जवाब तलब, नई हुकूमत ने अपने गुनाह माफ करा लिए, अगली हुकूमत आकर अपने माफ करा ले, जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा मुशीर मुकर्रर, मोहम्मद अयाज खान न्याज वसीम खान बादोजई भी वजीर आला के मुशीर बन गए, पंजाब हुकूमत ने तीन मुशीरों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आर्ट्स काउंसिल कराची में यौम इस्तेसाल कश्मीर पर तस्वीरें नुमाइश का इनका, सूबाई वजीर सईद गनी का इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा मोदी की सियासत नस्ल परस्त और मुसलमान दुश्मनी पर है।